अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा खुश भी हैं। इंशाल्लाह ताला आज हमारा जो है वो ग्लोबल विलेज जाने का इरादा है, और अभी चाय पी के बस थोड़ा सा खा पी के फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। और माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, और सुहान साहब ने तो डांस भी करना शुरू कर दिए, उल्टे सीधे से सॉक्स भी खुद ही उसने पहन लिए, तो अभी अब आगे देखिएगा उसको। और ये है जनाब जी चिकन ब्रेड, थोड़ी सी अभी चाय के साथ खा लेंगे, और वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है तो थोड़ी सी साथ में भी ले लेंगे ताकि थोड़ा बहुत आसरा हो, इंशाल्लाह फिर खाना भी खाएंगे वहाँ से। तो ये देखें सुहान को खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से। और जनाब जी हमारी तैयारियाँ ज़रा आप चेक करें, और बस अब निकलते हैं। तो ये देखें जनाब हम निकल गए हैं, और मगरिब का टाइम होने वाला है, 15-20 मिनट में इंशाल्लाह ताला मगरिब हो जाएगी। फुजैरा से दुबई जो है तकरीबन घंटा डेढ़ लगता है हमें पहुंचने में, तो बच्चों की चीखों पुकार में और बातों वातों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुजर जाता है। और ये देखें नज़ारे देखें आप, और ये देखें जनाब वो रहा ग्लोबल विलेज, और हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। वीकडेज में जाने की वजह भी यही थी कि रश नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो अच्छे से हम लोग घूम लेंगे फिर लेंगे। ये देखें ये मेन एंट्रेंस है, और पार्किंग भी हम लोगों को करीब में ही मिल गई थी। और काफ़ी चेंज कर दिया उन्होंने, ये फेंस वगैरह भी लगा दिए हैं, और यहाँ पे पहले फाउंटेन्स हुआ करते थे वो इन्होंने चेंज कर दिए हैं। और ये देखें जनाब ये मेरे बेटे का जो है वो फूला हुआ स्पाइडरमैन, पता नहीं इसको इस में क्या दिखा था, इतने प्यारे प्यारे बलून्स थे लेकिन इसने यही वाला चूज़ किया। बहरहाल ग्लोबल विलेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी लगता है बस कोशिश होती है कि एक दो चक्कर तो लग ही जाए। मगर अब की बात बार आपको पता है कि हालात दुनिया के थोड़े मुख्तलिफ चल रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी जो है ना रिस्क ले लिया और हम आ गए, और यही सोचा था वीकडेज़ में हम इसीलिए आए थे कि हमें रश नहीं मिलेगा, लेकिन जनाब जी यहाँ तो पूरी दुनिया ही पहुँची हुई है। बस अल्लाह का नाम लेके हम आ तो गए हैं, बाकी बस अल्लाह से दुआ करेंगे। आप भी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम सब समेत कुल जहान मुस्लिमीन को और अपने सब बंदों को अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और देखें यहाँ पे दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं सबके अपने अपने स्टॉल्स हैं, अपने अपने पवेलियंस हैं, और उनका अपना अपना सामान होता है, तो सबको एक दिन में एक्सप्लोर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया ही कोई और है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे टर्की का पवेलियन बहुत पसंद है, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी तो है ही। इतनी खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई नहीं है कि बस बंदा जो है उसके शहर में ही यकीन करने खो जाता है। So
so focus on what we're about to see. Eyes wide open. Wide open.
और ये यहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट इन्होंने बनाई हुई है, रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पे और मुख्तलिफ किस्म की मार्केट्स भी हैं। और ये रहे जनाब इनके चाइनीज़ बुज़ुर्गवार। जंगजू भी मौजूद हैं जी। जोहान जो है इस वाली शिप की राइड लेना चाह रहा था लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ये बच्चों के लिए किड्स एरिया था।
ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं, मुझे बहुत शौक है फ्रिज मैग्नेट्स का, लिए भी थे मैंने यहाँ से। Let's just all focus on what we're about to see.
तो ये थी जनाब ग्लोबल विलेज की सैर। आई होप आपने सब ने इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Just